Assalamualaikum everyone. This is Mominah Sheikh. I'm 28 years old and very 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 passionate about skincare. I'm here to teaching you how to simplify your skincare routine. So welcome to my channel skincare and more by Mominah. जहां मैं आपको दूंगी information आपकी अपनी skin के बारे में ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी skin care कर सकें. So मैं आपको छोटा सा recap देती चलूँ कि मैंने अपनी previous videos में basic needs स्किन टाइप्स और उनके हिसाब से बेसिक नीड्स को किस तरह पूरा करना है किस तरह के प्रोडक्ट चूज करने हैं ये सब बताया था लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो काफ़ी देर से मतलब एक दो महीने से आप स्किन केयर को फॉलो कर रहे हैं बेसिक नीड्स को और अब आप चाहते हैं कि आप एक स्टेप आगे जाएं, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है और जो भी बेसिक स्किन केयर पे हैं वो भी ये वीडियो देखें ताकि आगे उनको आगे बढ़ने में आसानी हो तो so, आज की वीडियो है एंटी के बारे में एंटी क्या होते हैं ये क्या करते हैं ये क्यों ज़रूरी हैं ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि एंटी क्या होते हैं और हमें क्यों इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए सो so, बिना तखीर ये शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में है तो मैं आपको पांच पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगी एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और कोशिश करूँगी कि आसान करके समझा सकूँ ताकि आपको समझ आए सो so, मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करेगी अगर आप इसको एंड तक देखेंगे से so, शुरू करते हैं सो so, पहला पॉइंट है वट आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बेसिकली हमारी स्किन की जो अपर लेयर होती है जिसको एपिडर्मस कहते हैं इसके अंदर एक सेल होता है जो कि मेलानिन प्रोडक्शन बनाता है मतलब कि मेलानिन प्रोड्यूस करता है मेलानिन क्या होती है मेलानिन पिगमेंट को कहते हैं हमारी एपिडर्मस में एक सेल ऐसा होता है जो पिगमेंट बनाता है जब हमारी स्किन सूरज के साथ एक्सपोज्ड होती है या पोल्यूशन के साथ एक्सपोज होती है इन्वामेंटल स्ट्रेस के साथ एक्सपोज होती है तो हमारी स्किन अब नॉर्मली तौर पर मेलानिन बनाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है यानी पिगमेंट ज़्यादा जो है वो बनता है और उससे हमें पिगमेंटेशन हो जाती है तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं और वो हमें इन्वामेंटल स्ट्रेस से होने वाली यूवी रेडिएशन से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं इसलिए एंटी को अपनी ज़िंदगी में औरली और स्किन हैबिट uh, दोनों में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है तो ये था हमारा पॉइंट नंबर वन कि अ, असल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं और करते क्या हैं इनका काम क्या है सो so, अब हम अपने पॉइंट नंबर टू की तरफ जाते हैं हम अपने पॉइंट नंबर टू की तरफ सो पॉइंट नंबर टू है कि हमें अपनी डेली लाइफ में एंटी को क्यों इंक्लूड करना चाहिए लाइक like उसको क्यों क्या ज़रूरत है हमें एंटी जो है उनको इंक्लूड करने की अपनी डेली लाइफ में सो so, बेसिकली होता ये है कि जब हमारे अगेन हम मैं बताऊंगी हमारी स्किन जब एक्सपोज होती है यूवीए रेडिएशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से तो हमारी स्किन मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ा देती है जिससे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है इवन स्किन कैंसर भी हो सकता है इसके अलावा सन डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सन स्पॉट्स हो जाते हैं इसके अलावा प्री मेच्योर एजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है अचानक से आप का फेस जो है वो आपकी उम्र से बड़ा लगने लग जाता है और आपकी स्किन प्री मेच्योर एजिंग की तरफ चली जाती है तो ये सारे नुकसान से बचने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन में एंटी को ऐड करना चाहिए ताकि हम अपने फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल कर सकें और हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर सकें ये एंटी इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम ये फ्री रेडिकल डैमेज से बच के अपनी स्किन की केयर कर सकें स्टेप नंबर टू आपको समझ आ गया होगा एंटी ऑक्सीडेंट्स को लाइफ डेली लाइफ में इंक्लूड करना क्यों जरूरी है एंटी को किस तरह अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है मैंने दो जो है इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट पॉइंट है ओरली सेकंड पॉइंट है फिजिकली यानी आप किस तरह एज अ डाइट जो है वो एंटी ले सकते हैं और किस तरह आप अपनी स्किन के रिजीन में एंटी को डाल सकते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नट्स जो होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत रिच होते हैं हमें अपनी डाइट में नट्स को इंक्लूड करना चाहिए इसके अलावा सिट्रस फ्रूट यानी जिनमें स्कॉर्पिक एसिड हो यानी विटामिन सी हो वो वाले फ्रूट्स जो हैं अपनी डाइट में हम इंक्लूड करें उनमें बहुत ज़्यादा एंटी होते हैं इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें ताकि उनके अंदर जो भरे हुए हैं एंटी जो है उनकी मिकदार बहुत हाई होती है ग्रीन वेजिटेबल्स में तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो कंज्यूम करनी चाहिए अपनी डाइट में इसके अलावा हमें बेरीज जो है वो खानी चाहिए इनमें सबसे कॉमन जो है वो है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी का ऑलमोस्ट सीजन भी आने वाला है तो आप कोशिश करें कि आप डेली स्ट्रॉबेरीज फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खाएं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सी एंटी भरे हुए हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा हेल्प और बूस्ट के लिए मार्केट में हजारों तरह के सप्लीमेंट्स एंटी के नाम पर मौजूद हैं इसके अलावा ग्रीन टी जिसके बारे में मैंने पहले बात नहीं की ग्रीन टी जो है वो बहुत अच्छी होती है वो बहुत उसमें बहुत ज्यादा एंटी होते हैं अगर हम अपनी डेली लाइफ में ग्रीन टी को कंज्यूम करते हैं तो एंटी बहुत रिच होते हैं उसके अंदर सो डाइट सप्लीमेंट एंड ग्रीन टी ये तीन चीजें हैं जिनको हम ऑरली कंज्यूम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि हम किस तरह फिजिकली यानी अपनी स्किन केयर के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं हमारी स्किन रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना मस्ट है क्योंकि ये हमारी स्किन को अगेन फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है प्री एजिंग से बचाता है स्किन कैंसर से बचाता है कॉलेजन के ब्रेकडाउन को रोक कर कॉलेजन न्यू कॉलेजन जो है प्रोडक्शन उसको प्रमोट करता है इसके इतने ज्यादा फायदे हैं और इसके अलावा लॉन्ग लॉन्ग रन में ये फायदा देता है आगे जो होने वाले सन स्पोर्ट और डैमेज से भी ये जो है वो प्रिवेंट करता है मतलब ये आपको लॉन्ग रन में फायदा देगा आगे आने वाले uh, जो सनस्पॉट्स और पिगमेंटेशन वगैरह होगी उसको भी प्रिवेंट करेगा और जो डैमेज हो चुका है उसको वो रिवर्स करेंगे इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट स्किन केयर के अंदर भी होने जरूरी हैं। सो so, अब क्वेश्चन आता है कि कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हम अपनी स्किन केयर जीम में यूज कर सकते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ वाइटाम्स कुछ जो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये सिरम में क्रीम में किसी भी फॉर्म में आपको मिल जाते हैं आपकी मर्जी है आप कौन से फॉर्म में एंटी जो है वो यूज करने चाहिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटी जो होते हैं वो सिरम की फॉर्म में होते हैं यानी हम उनको ट्रीट वाले एरिया में जो है वो यूज करते हैं और दिन में अपनी एस से पहले यूज करते हैं एस से पहले एंटी यूज करने से एस की प्रोटेक्शन डबल हो जाती है यानी आपकी स्किन यूवीए रेज से तो बच ही रही है लेकिन उसके अंडर नीच जो एक लेयर है उसको भी जो है वो एंटी प्रोटेक्ट करते हैं तो एंटी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और जो सनस्क्रीन है वो आपका एंटी जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है तो कौन से वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके अंदर एंटी जो है वो होते हैं जो हम स्किन केयर जीम में ऐड करेंगे और एंटीऑक्सीडेंट का जो है वो बेनिफिट लेंगे तो पहला एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट क्या है स्कॉर्प एसिड यानी वाइटामिन सी वाइटामिन सी सब सबको पता है पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट का लेकिन मसला ये है कि वाइटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्म्स में जो है वो मार्केट में फैला हुआ है तो हमें समझ नहीं आती कि हमने विटामिन सी कौन सा यूज करना है क्योंकि विटामिन सी की कई फॉर्म्स जो हैं कुछ स्टेबल हैं कुछ ऑक्सीडाइज हो जाती हैं ये डिपेंड करता है कि फॉर्मूला कैसा है तो आपने अपनी स्किन को ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से विटामिन सी जो है उसको चूज करना है और चूज करने के बाद भी विटामिन सी सबको सूट नहीं करता ये बात सच है इटामिन सबको वाइटामिन सी सबको सूट नहीं करता लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और वो आपके लिए बना है कि नहीं ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी डिस्क्लेमर सो अब हम आएंगे इंग्रेडिएंट्स यानी विटामिन सी फर्स्ट सेकंड जो है वो हमारा आएगा फिर एसिड ये जो फिर एसिड जो है इसके अंदर भी एंटी जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं ये भी आपको सिरम की फॉर्म में आसानी से मार्केट में मिल जाता है उसके बाद आता है वाइटमिन बी फैमिली यानी वाइटामिन बी थ्री नाइसनामाइट नाइसनामाइड ऑल राउंडर है वो हर किसी को सूट करता है ड्राई स्किन हो सेंसिटिव स्किन हो ऑयली स्किन ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है ऑयली स्किन हो कॉम्बिनेशन स्किन हो इवन सेंसिटिव स्किन हो नाइसिनमाइट सबके साथ काम करता है और हर स्किन इन के साथ वो चलता है वाइटामिन सी के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी डेली स्किन केयर में दिन में रात में जितनी मर्जी दफा आप उसको यूज कर सकते हैं जितनी मर्जी दफा से मुराद दो दफा दिन एंड रात तो नाइसन जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है तो नायसिन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप हाइड्रोनिक एसिड और का कॉम्बो यूज किया करें क्योंकि नाइसिनमाइड एंटीऑक्सीडेंट भी है सो so गायज आज हमने बात की एंटी के बारे में कि क्यों एंटी हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरह हमें अपनी डेली लाइफ में एंटी को इंक्लूड करना चाहिए औरली एंड फिजिकली तो हम चलते हैं हम अपनी वीडियो के अख्ताम की तरफ आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए काइंडली मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुझे दीजिए इजाजत बाय बाय